हेलो दोस्तों, चलिए इस लेक्चर में देखते हैं विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। आपको बता दें, इसकी स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967 में। इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। आपको बता दें, 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इसके सदस्य देशों की बात करें तो 191 हैं, 188 हैं यूएन की, बाकी हैं कुक द्वीप समूह, फिलीसी और नीवे। आपको बता दें, यहाँ की अभी जो इसके डीजी हैं फ्रांसिस गोरी हैं जो, ठीक है। इसके उद्देश्यों की बात कर लें तो उद्देश्य हैं रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और बौद्धिक संपदा का संरक्षण, मानव ज्ञान की बौद्धिक रचना है, ठीक है, इनके प्रमुख उद्देश्य। विपो 36 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रबंधन करता है। इनके सदस्यों में और कुछ देखते हैं, फिलिस्तीन स्थायी पर्यवेक्षक 10 दर्जा मिला हुआ है फिलिस्तीन को, और कुछ एनजीओ और आईजीओ को बैठकों में आधिकारिक दर्जा मिला हुआ है पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में। इसमें भारत शामिल हुआ है 1975 में, ठीक। कार्यों की बात करते हैं विपो के, तो इसका कार्य बौद्धिक संपदा के नियम बनाना, तकनीकी संरचना, बौद्धिक संपदा अधिकारों की सीमाओं और अपवाद, सहयोग और क्षमता निर्माण, विवादों का सुलझाना, इनके प्रमुख कार्य हैं विपो के। विपो का इतिहास देख लेते हैं तो 1883 में पेरिस कन्वेंशन आविष्कार पेटेंट ट्रेडमार्क संरक्षण के लिए किया गया था, और 1886 का बर्न कन्वेंशन था, ये साहित्य एवं कलात्मक कार्यों के लिए। 1891 का मैड्रिड एग्रीमेंट, ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा फाइलिंग सेवा की शुरुआत की गई थी इसके तहत। 1893 में बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए किया गया था। 1867 में विप्रो कन्वेंशन हुआ और 1974 में यूएन में शामिल हो गया, कर दिया गया। तो इसका ये इतिहास है। विप्रो महत्वपूर्ण संधियाँ करता है। विप्रो परफॉर्मेंस फोनोग्राम संधि, बूडापेस्ट संधि, मैड्रिड प्रोटोकॉल, मराकिस संधि, विप्रो कॉपीराइट संधि, कॉपीराइट संधि भी करता है। इसकी महत्वपूर्ण संधियाँ हैं, ठीक है, याद रखें। ये एक रिपोर्ट भी जारी करता है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इनसाइड के सहयोग से, एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अभी 2019 में ये आई हुई है अभी, तो भारत को 52 रैंक मिली है, 52 रैंक मिली है, और 2018 में 57 थी, ठीक, 57 रैंक थी। फर्स्ट नंबर पर 2019 में रहा है स्विट्जरलैंड, ठीक। चलिए दोस्तों, तो इसलिए से यहीं रुकते हैं।